मत्ती 12 दे 38 तो 41 तद किन्ने ग्रंथियां ते फरीसियां ने अगो आख्या गुरु जी असी तेथो कोई निशानी वेखनी चाहुंदे हां पर उसने उन्हां नूं उत्तर दित्ता कि पूरी अते हरामकार पीढ़ी निशानी चाहुंदी है पर यूनान नबी दी निशानी बिना कोई होर निशानी उन्हां नूं दित्ती ना जावेगी क्योंकि जिस तरह यूनान 3 दिन अते 3 रात मच्छी दे ढिड विच सी उसे तरह मनुख दा पुत्र 3 दिन अते 3 रात धरती दे अंदर होवेगा नीनवा दे लोक अदालत विच इस पीढ़ी दे लोकां नाल उठ खड़े होणगे अते इन्हां नूं दोषी ठहराउणगे क्यों जो उन्हां ने यूनान दा प्रचार सुन के तौबा कीती अते वेखो इत्थे यूनान नालों भी इक वड्डा सारे बला ले लिया जोर से बला ले लिया इत्थे वचन दे की लिखिया है लोग निशानी पालदे से के मसीहा दा आ चुका करते दा है पर सानू कोई निशानी विखा के निशानी विखा के तू वाकई परमेश्वर दा जाने समझ लग रही है अज एदा ही लोग कहंदे ने सानू चमत्कार विखा तां तैनू पास्टर मनीए लोग पता की कहंदे ने तुहाडा चमत्कार हो जाए असीं फिर मन्नांगे निशानी चाहते निशानी चमत्कार वाली निशानी चाहते ने पर वचन च लिखा है यूनान नबी दे निशानी बिना तुहानू होर कोई निशानी नहीं दित्ती जांदी इत्थे वचन च की लिखा है यूनान नबी कौन से परमेश्वर दा जन से परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवा दे विच जाके प्रचार करेगा उन्हें क्या प्रचार ही करना है चल तरशीश दे विच प्रचार कर लीए समझ लग रही है कई बार इंसान अपनी मर्जी नु पूरा करन लग पैंदा है वचन च की लिखा है तू मेरी मर्जी नु पूरा कर जिथे मैं भेजदा हां पापिया दे कोल चला जा नीनवा दे लोक की ने पाप इन्ना ज्यादा कर रहे सी इन्नी ज्यादा मुसीबत दे विच सी परमेश्वर उपर स्वर्ग तो वेख रहा सी कि लोक पाप इन्ना ज्यादा करदे ने यीशु मसीह ने दया कीती परमेश्वर ने दया कीती कि उत्थे दे लोक पाप करदे ने मेरा दास उत्थे चला जावे नबी उत्ते चला जाए और उन्हां लई प्रार्थना करे तां लोग जिहड़े ने पाप तों मुड़ पैणा और मेरी हजूरी रह जाण परमेश्वर ने अपना दास भेजा और जदों जा रहा है अपने कई बार मन मर्जी कर रहा है मन मर्जी कर रहा है कहिंदा मैं तरशीश नूं चला जावांगा और सजा आ जांदी है अगे इत्थे की लिखिया होया है उह जिहड़े नीनवा दे लोक ने ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਅੱਜ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਣ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪੀਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾ ਲੈ ਲਈਆ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬਲਾ ਲੈ ਲਈਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ
समझ लग रही है। लोग निशानी पालते ने, कई कहते ने मिरेकल मणि यीशु मसीह कर देना असी ऐदा कर देवे साडी नौकरी लग जाए ना असी दसवां हिस्सा देवे। पर जो पहला काम करते जे पैसे कमाए उनके किनवा हिस्सा दिता है पहला वह तो परमेश्वर की हजूरी दे देना फिर ही परमेश्वर दया करता है कहता मेरे लिए कर तो मैं तेरे लिए वचन की लिखा मेरी मर्जी ने पूरा कर। मर्जी नहीं पूरी हो रही, मर्जी नहीं फर्ज पूरे हो रहे ने। इतो मैं गल करा किसी को कहां तो सवेरे प्रार्थना कितनी करते एक नु खड़ा कर लवा किसी ने प्रार्थना करनी ही नहीं। कई तो पता कहने पास्टर सारी रात जागते ने पास्टर जागते हैं तो तुहानू दस भी नींद आ रही तुसी भी जागो पास्टर ने कहे तैयारी लैनी है वह परमेश्वर की हजूरी दे विच बने रहिंदे ने वह अपना मेहनत करते ने अपनी तुसी अपनी करनी है। लोग पता कहने चल मुसीबत आई तो फोन ला ही लवा दे एक मैंने फोन आ रहा सी संगत का रात को साढ़े घर आ प्रार्थना कर मैं नहीं आना उन्हें फोन पर प्रार्थना कर देना नहीं आ तू मैं कह नहीं मैं नहीं आना रात को मैं दिने भी नहीं जाता जल्दी नाल ते मैं रात को भी दिने भी नहीं जाता रात को तो दूर की गल है मैं अगू जवाब देता नहीं पता की कहते पास्टर ना तली तो सरो जमा देंगे नहीं मैनू तो भाई तली तो सरों जमानी नहीं आती मैं तो प्रार्थना करनी आती फोन से कर देवगा सरों किवें जमदी मैनू नहीं पता ना मैं वेखी जमदी तली तो सरों वडेरिया शायद पता हो किवें जमदी। वैसे कहावत जी की है मतलब मौके पर चमत्कार हो जाना और मैनू नहीं पता मौके पर हो बाद हो मेरा कोई लैन देन नहीं गा मेरा सिर्फ है ड्यूटी नू पूरा करना है। मैं तुहाडा फोन आया मैं प्रार्थना करा दा कई बार मैं डांट भी लगा लेना पुछ लो मैं फोन दे विच लगा लेना ना कित्थे सी पिछले हफ्ते मैंने कोई लालच नहीं गा मैंने यही लालच है कि परमेश्वर तुहाडे बचाई रखे सानू पैसों का लालच नहीं गा सानू यही लालच है। यीशु मसीह की भुख की सी की भुख से कि मुसीबत हालातों के बचाना यह साडी भुख है असीं तुहानूं तां मंगवांदे साडी भुख नहीं मिटदे समझ लग रही है सानू भुख लगती है इसलिए असं मंगवाते हैं क्यों साढ़े अंदर पवित्र आत्मा है वह मंगवादा है वह कहते आओ मेरी हजूरी दे बैठो ता ही परमेश्वर दया करेगा।